लोग कह रहे थे छुरी मार डालेगी, हम तो मर गए, हम मरने के लिए तैयार है। अभी पता नहीं कितने मर गए हैं, कितनों को मार डाला है। इस गाने की खास बात ही इसकी हुक लाइन है। ये था कि 18 घंटे हम कैसे शूट करेंगे, बट सब कुछ स्मूथली गया। मुझे लगा वो चैलेंजिंग होएगा, बट हुआ नहीं, जो इनको उठाने वाला स्टेप था। बहुत सारे सॉन्ग्स लाइंड अप है, मूवीज है साउथ के लाइंड अप। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ माय कैरेक्टर। बिग बॉस तो बस एक जरिया था, जो गलत है वो गलत है और वो बोलना बहुत जरूरी है आजकल। सी एज अ कंटेस्टेंट आई वोंट गो, घोड़ा बार बार उसी रेस में नहीं दौड़ेगा, राइट? सो फर्स्टली छोरी मार डालेगी, जिस तरीके से ये सॉन्ग आया है और निकी के फैंस, आपके फैंस ये देखकर ही मतलब ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि छोरी ने सच में मार डाला है और छोरे ने भी मार डाला है, क्या कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं या फिर किस तरीके से ये सॉन्ग को बताना? लोग कह रहे थे छोरी मार डालेगी, हम तो मर गए, मरने के लिए तैयार है, बस गाना रिलीज कर दो जल्दी। अब फाइनली आज रिलीज हो चुका है छोरी, तो अभी बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे, अभी तक फोन हाथ में लिया नहीं है। अभी पता नहीं कितने मर गए हैं, कितनों को मार डाला है, पता नहीं कितने हमें मार रहे हैं। नहीं, हमें कोई नहीं मार रहा है। बहुत अच्छा गाना है छोरी, बहुत पप्पी सॉन्ग है। हम तो अभी एक्साइटेड है, हमको क्लब्स जाना है, क्लब्स में गाने बजेंगे, वी ऑल विल डांस टुगेदर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। निकी अपने अदा से ही सबको मार डाल रही है, क्या कहना है आपको इस पे? ये वही छोरी लग रही है जो मार रही है। या बहुत अच्छा शूट हुआ है, आउटकम बहुत अच्छा आया है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से फीडबैक अभी तक अच्छा आया है। अभी वही, अब इसके बाद देखेंगे जब टाइम मिलेगा कि क्या असलियत है। एंड या आई होप पीपल को अभी ये गाना ऐसे जो धीरे धीरे फ्लो होएगा टुवर्ड्स मासेस, तो इट विल टेक टाइम ट्रैवल और रिजल्ट अच्छा ही रहेगा क्योंकि ऑडियो अच्छा और ऊपर से फिर वीडियो में भी हमने चार चांद लगा दी है। इवन द कॉस्ट्यूम्स आर सो ब्लिंगी एंड सो ब्राइट, कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग, वीडियो प्रोडक्शन, कोरियोग्राफी और ये सब से, ये हुक स्टेप भी और हुक लाइन और हुक स्टेप दोनों ट्रैवल करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया वही फैंस भी बोल रहे हैं, जब मैंने ये सॉन्ग देखा, नीचे कॉम्प्लीमेंट्स भी मैंने देखे कि किस तरीके से आ रहे हैं, तो फैंस भी यही बोल रहे हैं कि जो निकी है वो बहुत ही अलग लग रही है इसमें, और जिस तरीके से उन्हें मतलब देखना चाहते थे वो फैंस देखे, या ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है आपको, और आपके बारे में भी वो जो बॉन्ड है वो देखने को मिला, वो उनको बहुत पसंद आया, क्या कुछ बोलना चाहोगे? बॉन्ड तो हमारा तो तुरंत बन गया था, वी वर वेरी कंफर्टेबल शूटिंग विद ईच अदर। जो हुक स्टेप है, जो इन्होंने मुझे गोदी में उठाया, आई वाज वेरी कंफर्टेबल, और वो बहुत अच्छा स्क्रीन पे आया है जी, एब्सोल्युटली। और वो स्क्रीन पे जो आया है वो बिकॉज ऑफ द हमारा जो एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबलनेस, कि हमें कोई टेंशन नहीं थी, एंड वी वर लकी, वी बोथ आर वर्किंग बिंदास एंड एज अ टीम वर्क, वो पूरा टीम वर्क का रिजल्ट ही यही है। और हुक स्टेप्स की बात हुई, What is the one USP point जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इस सॉन्ग को हाँ बोलने के लिए, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? It's the hook line. It's very catchy और बहुत catchy थी, और गाने का काफी time से मैंने, मतलब हम सब music lovers है, तो कोई ऐसा catchy song इतने time से सुना नहीं था in terms of हिंदी independent music पे। तो या ये इस गाने की खास बात ही इसकी hook line है और हम दोनों का hook step है। सो फर्स्ट मीट कैसा रहा, किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट किए, या फिर कैसा ये बॉन्ड बना इस सॉन्ग के दौरान, क्या बताना चाहोगे आप? ऑनेस्टली हमारी बॉन्ड तभी ज़्यादा बनी जब कॉस्ट्यूम्स रेडी नहीं थे हमारे, मेरे एक्चुअली कॉस्ट्यूम्स रेडी नहीं थे, रातों रात रेडी सब ने करवाया, तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, कॉन्ट्रीब्यूशन था कि कैसा हाफ स्कर्ट ही चाहिए, ये कलर का है, ऐसा है, ब्लिंगी होना चाहिए, सो इनका बहुत ज़्यादा हाथ है मेरे कॉस्ट्यूम्स में भी जो बन के आए हैं, एंड स्क्रीन पर तो कमाल के लग रहे हैं, वेरी ब्राइट लग रहे हैं, और जो ये ढाबा स्टाइल जो हमने शूट किया है, बड़े सेट्स लगे हुए थे, तो इसमें इस तरीके के जो कॉस्ट्यूम्स थे दोनों के, वो बहुत ही मतलब ओवरशाइन कर रहा है। एंड बॉन्ड की बात की जाए तो ही इज़ वेरी नाइस गाय, वेरी स्वीट गाय, सॉफ्ट स्पोकन गाय, चिल पिल है, दिल्ली से है ना, तो एकदम चिल पिल है बंदा, तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल। या व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट निकी? ये बॉन्डिंग तो हमारी पहली क्लिक से ही बन गई थी, तो बॉन्डिंग का कोई इशू नहीं था, एंड
हम दोनों को पता था कि हमारा जॉब क्या है, तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे से हमारा वो प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के साथ भी क्रिएट ना हो, क्योंकि जब आपको पता है आपने क्या करना है मुझे क्या करना है, और ऊपर से फिर हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा है, तो वही रिफ्लेक्ट करता है केमिस्ट्री में जिसकी आप अभी तारीफ कर रहे थे। तो ये वो अपने आप निकल के आ जाता है कि जब हम सब कंफर्टेबल है तो वो सब कुछ काम अच्छा दिखेगा। कुछ ऐसा रहा जो चैलेंजिंग पार्ट रहा है इस ये सॉन्ग के दौरान, शूटिंग के दौरान? चैलेंजिंग कुछ नहीं था, बट ये था कि 18 घंटे हम कैसे शूट करेंगे, बट सब कुछ स्मूथली गया, वक्त का पता ही नहीं चला। हालांकि जब सुबह हो गई, पैकअप हो गया, और हम जब मैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट के साथ वापस जा रही थी, तो वी वर लाइक वेरी सैड कि यार गाना शूट करके हम वापस भी जा रहे हैं। इतना मजा आया, यू नो, यू टेक बैक ऑल द मेमोरीज, यू का इट्स नॉट, इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो। रात शूटिंग स्टार्ट किया रात को, और इवनिंग को शूटिंग स्टार्ट किया, इनके सीन्स पहले लगे थे, तो वी वर लिटरली मिसिंग द मोमेंट वी लेफ्ट द सेट, वी स्टार्टेड मिसिंग इट। तो इतना अच्छा माहौल था। चैलेंजिंग मुझे लगा वो चैलेंजिंग होएगा, बट हुआ नहीं, जो इनको उठाने वाला स्टेप था। हल्की है ये, अच्छा। नहीं है, मोटी नहीं है। अच्छा। तो जिस तरीके से अभी इंडिपेंडेंट सॉन्ग आ रहा है, आपने भी काफी किए हैं और भी आ सकते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को? सॉरी, अपकमिंग और सॉन्ग देखने को मिल सकते? अपकमिंग डेफिनेटली बहुत सारे सॉन्ग्स लाइंड अप है, मूवीज है साउथ के लाइंड अप, तो लेट्स सी, जब फ्लोर पे जाता है तो जल्द से जल्द मैं अनाउंस कर दूंगी। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करती हैं, जैसे वन बाई वन सॉन्ग जब आपका रिलीज होता है तो ऐसा लगता है कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई जब ऑडियंस इतना प्यार देती है? इट्स माई ड्यूटी, इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स माई ड्यूटी टू मेक माई फैंस हैप्पी, बिकॉज माई फैंस दे मेड मी ऑब्वियसली, एंड उनको खुश करना इज माई जॉब, बिकॉज आई एम इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड दिस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आई लव एंटरटेनिंग माई फैंस, तो बस आई वर्क हार्ड so that they keep loving and supporting. Movie में क्या कुछ है अभी आने का इरादा है, या फिर किस तरीके से आप देखती हैं अभी upcoming projects को आप? See, अभी तो छोरी का क्रेज बहुत ज़्यादा है, अभी आज ही रिलीज हुआ है, तो आई थिंक सो आई शुड जस्ट स्टिक टू दिस छोरी, और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, बट फिलहाल ये हफ्ता, ये दो तीन हफ्ते तो छोरी पे ही डिपेंड है कि क्या छोरी पे ले जाती है, ये छोरी कहाँ जाती है, कहाँ ले जाती है मुझे। इस छोरी को अगर एक्सप्लेन करना हो या फिर डिफाइन करना हो एक लाइन में, तो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे निकी के बारे में? जिसकी हुक लाइन है, जो छोरी मार डालेगी। रियल लाइफ में मतलब मिलकर किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे निकी को? रियल लाइफ में भी वही है जो रियल में आपको दिख रही है, शी इज एग्जैक्टली द सेम, जो दिल में है वो मुंह पे है, तो कोई फिल्टर नहीं है, एंड व्हिच इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ हर। लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो यार जैसे वो इन्होंने भी बोला कि ये जो ये वाला कैरेक्टर है शी इज इन रियल लाइफ, तो वाकई में छोरी मार डालने वाली है विद हर लुक्स एंड विद हर टॉक्स। निकी के फैंस भी जानते हैं जिस तरीके से निकी हमेशा अपने जो आवाज़ होती है बेधड़क रखती है और हमेशा स्टैंड लेती है, वो सही और गलत के खिलाफ, मतलब जो उनका स्टैंड होता है वो उनका स्टैंड होता है, जिस तरीके से हमने बिग बॉस में भी देखा था, किस तरीके से अब आपको, मतलब जो फैंस हैं अब आपको प्यार देते हैं, या फिर किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हुई है बिग बॉस से लेकर, या फिर जब से आप मूवी कर रही हैं तब से लेकर अभी तक? बहुत चेंज हुई है, आई थिंक सो। It's not only because of Big Boss, but it's also because of my character, my personality, which attracted people. Big Boss तो बस एक जरिया था, but personality तो मेरी खुद की थी, शरीर मेरा था। तो I think so, ये obviously they gave me a chance to, you know, वो एक जरिया था लोगों तक पहुँचने का, obviously, and they loved me, they loved my character, they loved my personality, the way I am outspoken, और जो सही है उनके साथ मैं खड़ी रहती हूँ, जो गलत है वो गलत है, और वो बोलना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग बोलते नहीं हैं, झिझकते हैं या डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, बट दुनिया anyway they will talk, that doesn't mean you should shut your mouth, you should also talk. क्या आपने निकी को देखा था बिग बॉस में? हाँ, एक आधी, मतलब मैं कम देखता था टीवी, बट मैंने देखा है इनके दो चार एपिसोड्स मैंने देखे। निकी के फैंस अभी भी चाहते हैं कि बिग बॉस 16 या फिर जितने भी बिग बॉस आते हैं, तो वो आपको देखना चाहते हैं उसमें, क्या आप नजर आना चाहेंगी? सी, एज अ कंटेस्टेंट आई वोंट गो ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा वो मतलब हो गया ना एक बार, उस अब घोड़ा बार बार उसी रेस में नहीं दौड़ेगा, राइट? तो काफी सारे चैलेंजेस मुझे लेने हैं,
अभी फॉलो कर पाती हैं आप या नहीं? बिल्कुल नहीं, बस काम में फोकस्ड हूँ अभी। छोरी है तो छोरी के बारे में बात करो। चलो लास्टली व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे छोरी से रिलेटेड? ऑफ कोर्स, छोरी हमारा गाना रिलीज हो चुका है। प्लीज प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे गाने को प्यार दीजिए। हमने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, हमने कुछ नया लाया है, डांस नंबर लाया है। प्लीज इस पे रील्स बनाइए एंड खूब एंजॉय करिए। यो छोरी मार डालिए जी, प्लीज गो एंड वॉच एंड अपना फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स में दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव करते जाए। और ये लाइन आपको पसंद आएगी कि क्योंकि छोरी मार डालेगी और ये मास्टर्स का गाना है, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, बस सुनिए और अपने भी झुमके लगाइए, रील्स बनाइए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू।